अगर ये इसको दे देता तो मुझे ये शायद वापस देखने को मिलता ही नहीं। हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एस एम पेट्स व्लॉग। सो गाइज, ये कोई आज का व्लॉग वीडियो नहीं है, और कल भी व्लॉग मेरा नहीं आया था। कुछ ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जो कि बहुत शॉकिंग था और मेरे लिए, मतलब मेरा व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा था इसी वजह से। मैं आपको एक बंदे की फोटो दिखा देता हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये बंदा हमारे से हमारा ड्रोगो छीनने के लिए आया था, और इसका कुछ दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया था कि ये अपने आप को एक एक्टर बता रहा था कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे आपका ड्रोगो एक वीडियो के लिए शूट के लिए चाहिए, और इसको एक अफ्रीकन ग्रे चाहिए था। कह रहा था कि एक अफ्रीकन ग्रे का पेयर चाहिए, एज अ फैमिली मेम्बर मैं इसको ले जाना चाहता हूँ और आपका ड्रोगो मैं शूट के लिए लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता हूँ ये, जब तक मैं, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैंने इसको बोला कि अगर ड्रोगो शूट पे जाएगा तो मैं भी साथ जाऊँगा, इसके बिना मैं साथ दे नहीं दूंगा। तो इसने जब तो हाँ हाँ बोल दिया था और क्या लगा था ठीक है, और ये मेरे पास फिर आया, और आने के बाद मैंने व्लॉग भी शूट किया था। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, दिख आपको दिख जाएगा। लेकिन इस बंदे ने कुछ ऐसी बातें बोली जो कि मुझे बहुत डाउटफुल लग रही थी, मतलब उस पर यकीन करना थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसने कुछ बंदों के नाम लिए थे मेरे से, जो जिनको मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा था कि इनसे मैं वो बर्ड के एसेसरीज सेल करते हैं, बहुत सारे टॉयज हैं, स्टैंड हैं। तो इसने कहा था कि देखो मैंने इनसे सामान मंगवाया है। तो इसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी, तो मैंने, जब मुझे डाउट लगा तो मैंने इनको कॉल किया, उन्हीं बंदा भैया को, उनके मैं आपको स्क्रीन शॉट्स वगैरह भी दिखा दूंगा स्क्रीन पर। उन्होंने बताया मुझे कि इस बंदे ने मुझसे सामान मंगाया, पैकेजिंग कराई और उसकी वीडियो मांगी, और 6 दिन हो गए आज कोई पेमेंट नहीं करी है, अटका के रखा रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मैं समझ गया था कि ये बंदा बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, और इसने मेरी जो शूट किया है, मैंने जो शूट किया है ब्लॉग, इसने वो क्लिप मेरे से भी ले ली थी कि मैं आपसे सामान लेने आया हूँ, और फिर उसके बाद में ये क्लिप उसने किसी और को दिखाई और उनको कन्विंस करने का ट्राई किया कि मैं भाई भैया से सामान खरीद रहा हूँ और इनसे ये ले रहा हूँ, और इनका ड्रोगो मेरी वीडियो में आने वाला है, जो कि सॉन्ग वीडियो बोल रहा था ये, तो आप मुझे ये सामान भेज दो, मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। उनका कॉल मुझ पर भी आया कि इसका इनको कुछ सामान दिया है या आप अपना बर्ड इनको दे रहे हो, तो मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि ये अभी नहीं आया मेरे पास में। और ये बंदा, अगर मैं, मुझे तो ये अभी तक सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर मैं इसको अपना ड्रोगो बाय चांस दे देता, क्योंकि इसने कन्विंस कर दिया था मुझे ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ बात के डाउट की वजह से मैंने रीचेक किया और फिर ये सब निकला, तो हमारा ड्रोगो हमारे साथ होता ही नहीं। ये हमारा प्यारा ड्रोगो है, देखो कितना प्यारा ड्रोगो है, ये मेरे साथ रहता है, खुला घूमता है, आज तक इसने किसी को कोई हार्म नहीं किया, किसी को काटा नहीं है। डराता ज़रूर है, क्योंकि अगर कोई इसे परेशान करता है तो ऑफकोर्स डराएगा, लेकिन ये देखो कितना प्यारा बर्ड है, मेरे पास उड़ उड़ के ये आता है। बाकी उसने, अगर ये इसको दे देता तो मुझे ये शायद वापस देखने को मिलता ही नहीं, और वो बहुत मुझे डरा दिया उस चीज़ ने, कि इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर पाया था। कल से आपको सारे व्लॉग मिलेंगे मेरे। तो गाइज, अपने जो पेट्स हैं, अपने जितने भी पेट्स हैं, उनका ध्यान रखो, आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। और इसकी वीडियो मैंने इसलिए दिखाई है बंदे की, क्योंकि ये मेरे साथ करता तो सिर्फ चल जाता, या फोटोज़ मैंने इसलिए दिखाई है। इसका नंबर भी मैं शेयर करूँगा, इसके नंबर पे लिखा आ रहा था, बाद में मैंने ट्रूकॉलर पे चेक किया कि फ्रॉड, मर्डरर और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आ रहा था। हमारे बर्ड्स, हमारे पेट्स जितने भी हैं, बर्ड्स का जो भी हम पेट रखते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, और अगर उनको कुछ हो जाए तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जिससे कि आप इन सब फ्रॉडों से दूर रहें, सेफ रहें। ऐसे ही कभी भी अपना पेट बर्ड या पेट डॉग या कुछ भी पेट करते हो आप, वो किसी को ऐसे ही ना दे दो कि वो ले गया और फिर गायब हो जाए। जब तक तुम उसको जानते नहीं हो, जब तक, मेरा तो एक सिंपल उसूल है कि अगर मैं, मेरा बर्ड कोई जाएगा कहीं भी तो वो मेरे साथ जाएगा, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं। यही वजह से मेरा ड्रोगो बचा, नहीं तो वो लेके जाने के लिए कह रहा था कि मैं आऊँगा आपके पास में। वो आया भी, कहने लगा आप मुझे ड्रोगो दे दो और मैं चला जाता हूँ, और आप मुझे ग्रे कुछ दिन बाद दे देना। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया उसको कि मैं, अगर जब भी आपको वीडियो शूट करना है आइएगा,
मुझे लेके जाइएगा साथ में और मैं चलूंगा इसको साथ में, और साथ ही इसको मैं वापस लेके आऊंगा। तो भाई सेफ रहे, इन सब चीजों से दूर रहे, फ्रॉड केसेस में ना फंसे, और कल से आपको हमारे सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू, बाय।